ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से। खबर है जहां छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। बीयू में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया, दर्जनों छात्र छात्राओं को गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें ऑनलाइन एग्जाम करवाने की मांग छात्र छात्राएं कर रहे थे और पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया है। छात्रों को गिरफ्तार कर थाने लेकर पुलिस चली गई है। बताया जा रहा है कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जिन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। छात्रों की मांग थी कि ऑनलाइन पेपर कराए जाएं। एनएसयूआई के छात्र ऑनलाइन एग्जाम करवाने की मांग कर रहे थे और प्रदर्शन जारी था। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची, लाठी चार्ज किया और छात्र छात्राओं को गिरफ्तार कर लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बंसल न्यूज पर देख रहे हैं। छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज हुआ। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में पुलिस ने छात्रों के साथ लाठी चार्ज किया छात्रों पर। तो इस खबर पर अब देख लेते हैं संवाददाता सूरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी है आपके पास? लगता है सूरज से संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर कोशिश करेंगे। तो बता दें बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। एनएसयूआई के छात्र ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों पर लाठीचार्ज किया। बता दें कि छात्रों को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता पूर्वक बर्ताव पुलिस द्वारा किया जा रहा है। लाठियों से छात्रों को पीटा जा रहा है। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दर्जनों छात्र छात्राओं को गिरफ्तार कर बागसेवनिया थाना पुलिसकर्मी ले गए हैं। एनएसयूआई के छात्र ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे और लगातार प्रदर्शन भी जारी था। चलिए तो इस खबर पर अपडेट ले लेते हैं संवाददाता आकर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकर्ष, क्या जानकारी है आपके पास? ऑनलाइन एग्जाम को लेकर ये तमाम छात्र जो है मांग कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखा था कि आरजीपीवी के जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उन्होंने ही मांग की थी और आखिरकार ऑनलाइन एग्जाम का उन्हें ऑप्शन दिया गया था। लेकिन बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के भी जो छात्र हैं, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में फैसला लिया गया है उसी तरीके से ये भी मांग कर रहे थे कि इनके जो एग्जाम है वो भी ऑनलाइन कराए जाएं। लेकिन जब ऑनलाइन नहीं हुए तो तमाम छात्र जो है वो एग्जिट हुए और जो यूनिवर्सिटी कैंपस में वो प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन में एनएसयूआई का भी समर्थन प्राप्त था। इसी दौरान पुलिस पहुंचती है, पुलिस वहां से उन्हें हटाने की कोशिश करती है क्योंकि कुलपति लगातार छात्रों से कह रहे थे कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें और इस तरीके से प्रदर्शन न करें। आखिरकार पुलिस ने बर्बरता दिखाई है कि जो छात्र हैं, जो पढ़ाई कार्यरत छात्र हैं, उनके ऊपर इस तरीके से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से बर्बरता पूर्व उन पर लाठीचार्ज नहीं करना था। समझाइश का दौर के बाद भी उन्हें यहाँ से हटाया जा सकता था। शुभांगी, बिल्कुल आकर्ष सही कहा आपने। जिस तरह से पुलिस ने छात्रों के साथ बर्ताव किया है, छात्र अपनी मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में ही मौजूद थे और प्रदर्शन भी कर रहे थे, लेकिन इस तरह से छात्रों के साथ मारपीट करना पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करता है। धन्यवाद आकर्ष तमाम बातचीत के लिए। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के कैंपस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ छात्र ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच पुलिस वहां पहुंची और छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। बताया जा रहा है कि एनएसयूआई का समर्थन भी छात्रों को मिल रहा था, जिसके चलते कुलपति ने कहा था बच्चों से कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करें, लेकिन जब छात्रों ने यहाँ प्रदर्शन किया तो उनके साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया।